नमस्कार साथियों, आज मैं पहली बार YouTube पर वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जो अपने युवा भाइयों जो बेरोजगार हैं उनको डेडिकेट करते हुए। कुछ समय पहले ये जो 13 पॉइंट रोस्टर और 17 पॉइंट रोस्टर आया था, जो कि कुछ लोग परिचित होंगे और कुछ लोग नहीं परिचित होंगे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इसका मतलब है कि प्रोफेसर के जो पद हैं कुछ इनमें जो जनरल के कैंडिडेट से पद बचेगा तो ही जाके OBC और SC वालों की सीट जो है कि भरी जाएगी, ठीक है ना। तो वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में जो टीचर की सपना देख रहे हैं लोग, जो छात्र यानी कि जो इंटर कॉलेज के अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं, तो वह मात्र एक सपना बनकर ही रह जाएगा। क्योंकि जो बीएड के पहले क्या था कि बीएड में कुछ लोगों का जो शुल्क था वो माफ़ था, यानी कि OBC और SC का कुछ शुल्क माफ़ था, यानी कि कई संस्थानों पर ये जो SC वाले हैं तो SC का जो पहले स्कॉलरशिप पर ही हो जाता था, यानी कि कुछ पैसे पहले लगते थे और कुछ लास्ट में जब स्कॉलरशिप आती थी तो उसमें भर दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि पहले ये लोग 52,000 की DD बनवाएंगे, उसके बाद ही क्या होगी काउंसलिंग होगी। और कह सकते हैं कि न केवल SC और OBC वालों के लिए समस्या है, बल्कि ये सभी कैंडिडेट के लिए समस्या है, जो कि एक बार में ये पूरा फीस पेड नहीं कर सकते हैं, जो कि ये इतनी बड़ी रकम है कि एक साथ नहीं सभी लोग पेड कर पाएंगे, क्योंकि सबकी समस्या अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से मैं आज इस आप लोगों को बता रहा हूँ कि सरकारी घटिया नीति है इस शिक्षा के मामले में, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा धन है कि जिसके हिसाब से किसी भी देश का जो है समस्या दूर हो सकती है और इस देश को बढ़ाया जा सकता है। तो यदि शिक्षा पर ही खर्च करना बंद कर दें तो वह देश कैसा हो जाएगा, आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा।